नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के अज्जा: पालक 1 किलो, पनीर 200 ग्राम, फ्रेश क्रीम का पैकेट 1 अदद, मक्खन 1 टेबलस्पून, लहसुन चॉप्ड 1 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, कुटा हुआ जीरा 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्ब जायका, मोटी वाली हरी मिर्चें 3 अदद और क्वार्टर बंच हरा धनिया। पालक पनीर बनाने का तरीका: सबसे पहले हम 200 ग्राम पनीर छोटे क्यूब्स में कटी हुई डीप फ्राइंग करेंगे। जब हमारी पनीर अच्छे से डीप फ्राइंग हो जाए तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे और दूसरी तरफ हम एक बड़े से कुकिंग पॉट में पानी शामिल करेंगे। जब पानी खौलने लगेगा तो हम उसमें धुली हुई पालक शामिल करेंगे और पालक को 2 से 3 मिनट के लिए खौलते हुए पानी में पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद पालक का पानी ड्रेन आउट कर देंगे और पालक के पत्तों को ठंडे पानी में शामिल कर देंगे। जब हमारी पालक रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम चॉपर मशीन में सबसे पहले 3 हरी मिर्चें और क्वार्टर बंच धनिए को चॉप्ड करेंगे। जब धनिया और हरी मिर्चें चॉप्ड हो जाएंगी तो हम इसमें ब्लांच की हुई पालक शामिल करेंगे और उसे रफली सा चॉप्ड करेंगे। जब हमारी पालक अच्छी सी चॉप्ड हो जाएगी तो हम एक कुकिंग पैन में 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन शामिल करेंगे और लहसुन को इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन लाल हो जाए। जब लहसुन लाल हो जाएगा तो हम इसमें चॉप्ड कीवी पालक शामिल करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे और इसमें कुटा हुआ जीरा, गरम मसाला और हस्ब जायका नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और पैन कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी पालक अच्छे से नरम हो जाएगी तो हम इसमें 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का शामिल करेंगे। जब फ्रेश क्रीम अच्छे से पकने शुरू हो जाएगी तो हम इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन और डीप फ्राइंग कीवी पनीर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद पालक की भुनाई का अमल स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे कि पालक की भुनाई करते हुए आपने किचन ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन अगर आपके पास किचन ग्लव्स नहीं हैं तो अपने हाथों को आप किचन टावल से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि पालक के भूनने के अमल में बहुत तेज़ी से छींटे हाथों पर उड़ के आते हैं जिससे आपके हाथों पर छाले बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिस वक्त हम पालक का भुनाई का अमल स्टार्ट करें या तो किचन ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर अपने हाथों को किचन टावल से कवर करके फिर भूनना स्टार्ट करें और इतना भूने कि पालक अपनी असली रंगत में वापस आ जाए। पालक जब अपनी असली रंगत में वापस आ जाए और पालक की मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो समझे आपकी मज़ेदार सी पालक पनीर तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी पालक पनीर। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।